आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक कंफ्यूजन से भरा टॉपिक इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। मेरे पास कमेंट करके एक प्रश्न पूछा गया था, एक साथी हैं उनको कुछ दिक्कत आ रही थी कि उन्होंने पूछा था कि क्या थ्री फेज की कोई मोटर है उसको क्या हम सिंगल फेज की मदद से चला सकते हैं, अगर चला सकते हैं तो कैसे चला सकते हैं और अगर नहीं चला सकते हैं तो क्यों नहीं चला सकते हैं। क्योंकि बहुत बार इंटरव्यू में भी यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और नॉर्मल भी तरीके से भी इस चीज़ को करना पड़ता है कि सिंगल फेज की ही सप्लाई आपके पास उपलब्ध है और आपको थ्री फेज की मोटर चलानी पड़ जाए तो कैसे हम चलाएंगे। इस चीज़ को अगर आपके मन में कभी डाउट आया हो, कोई क्वेश्चन इस तरह का आया हो और इसका जवाब यदि आपको नहीं मिल पाया है तो बिल्कुल सही वीडियो पे आप आए हैं। इस वीडियो में आपका सारा का सारा कन्फ्यूज़न पूरे कॉन्सेप्ट के साथ दूर कर दिया जाएगा और आप फिर कभी भी यदि आपके सामने ऐसा चीज़ होता है तो आप मोटर को आसानी से चला पाएंगे। आइए समझते हैं। तो देखिए, यदि कोई आपसे पूछे या कहीं पर आपको ज़रूरत पड़े थ्री फेस की मोटर को सिंगल फेस से चलाना तो इसका जवाब होगा बिल्कुल आप चला सकते हैं। तो देखिए, इसके दो विकल्प हैं। पहला विकल्प तो ये होता है, एक नॉर्मल तरीके से यदि आप चलाना चाहते हैं तो कैपेसिटर की मदद से आप चला सकते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ समस्याएं होती हैं, कुछ दिक्कतें होती हैं, उस चीज़ को इस वीडियो में आप समझ जाएंगे। और यदि आपको पक्का पक्का अच्छे से चलाना है, पूरी ताकत के साथ पूरी क्षमता के साथ मोटर चले, तो उसके लिए आपको VFD ड्राइव की जरूरत पड़ेगी जो कि सिंगल फेज टू थ्री फेज की सप्लाई आपको आउटपुट में देगी, वो प्रॉपर तरीके से मोटर चलेगी। लेकिन यदि आपके पास VFD ड्राइव नहीं उपलब्ध है तो आप कैपेसिटर की मदद से भी इस चीज़ को कर सकते हैं। आइए समझते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से आप सिंगल फेस के लिए आप एक सॉकेट का उपयोग करेंगे। उसके बाद देखिए, सिंगल फेस से हमें क्या फेस और न्यूट्रल दो सप्लाई हमें मिल जाती है और कैपेसिटर बीच में लगाना पड़ेगा हमें। कैपेसिटर का जो आउटपुट होगा वो थ्री फेस का चल करके हमारी मोटर को चलाएगा। तो अब बात आती है कि क्या कैपेसिटर थ्री फेस में चेंज कर देता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये फेस को स्प्लिट कर देता है, बस इतना काम करता है फेस का, क्योंकि इसमें एक फेस होता है उसी फेस को ये दो भागों में बांट देता है, बस इतना करता है कैपेसिटर जो होता है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैपेसिटर, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि कैपेसिटर का तो कनेक्शन आप तब करेंगे ना जब आपको ये पता होगा कि जो मोटर है वो जितने किलोवाट की मोटर है उसमें हम कितने माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगाएं जिससे हमारी मोटर चल जाए। तो पहला चीज़ तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ये जो कैपेसिटर का जो चुनाव है, जो सिलेक्शन है, वो कितने माइक्रोफैराड का कैपेसिटर हम इसमें लगाना चाहिए हमको। दूसरा, मोटर का जो कनेक्शन है वो हम किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि मोटर को दो डायरेक्शन में चलाना पड़ सकता है ना। कोई अगर आपसे कहे कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाइए तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपको चलाना पड़ेगा। अगर कोई कहे या आपको ज़रूरत पड़ जाए रिवर्स डायरेक्शन में चलाने के लिए तो रिवर्स डायरेक्शन में भी आपको चलाना पड़ेगा। तो वो भी आप इस वीडियो में समझेंगे कि फॉरवर्ड में भी चलाना है तो फॉरवर्ड में चला लेंगे, रिवर्स में चलाना है तो रिवर्स में आप चला लेंगे। इसके अलावा मोटर की जो कैपेसिटी है, क्षमता जो है वो कितनी हो जाती है, जो मोटर जितनी रेटेड उसकी कैपेसिटी है क्या वो पूरी कैपेसिटी के साथ चलती है या कम कैपेसिटी के साथ चलती है, वो भी आप समझेंगे। तो देखिए, इस प्रकार से हम मोटर को सप्लाई देते हैं। तो अब आइए समझते हैं कि कैपेसिटर का चुनाव हम कैसे करें। तो देखिए, जो मोटर के लिए जो कैपेसिटर का जो चुनाव करना है वो वोल्टेज के आधार पर, मतलब वोल्टेज कितनी आ रही है उसके अनुसार जो कैपेसिटर का जो माइक्रोफैराड है उसका सिलेक्शन करना है। अगर आपको 380 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है तो आप 22 माइक्रोफैराड का यदि कैपेसिटर लगाते हैं पर किलोवाट की हो रही है। अगर एक किलोवाट का मोटर है तो आपको 22 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के लगाने की ज़रूरत है। अगर 220 वोल्ट की सप्लाई यदि आपको मिल रही है तो आपको 70 माइक्रोफैराड पर किलोवाट आपको लगाना पड़ेगा। उसके अलावा यदि 110 वोल्ट की सप्लाई है तो आपको 240 माइक्रोफैराड की कैपेसिटर को लगाने की ज़रूरत है। मतलब कुल मिलाकर के नॉर्मली हमारी बात हो रही है सिंगल फेस की सप्लाई है उसके ऊपर, तो सिंगल फेस की जो सप्लाई है जो डोमेस्टिक हमारे इंडिया में इस तरह से यूज किया जाता है तो वहाँ पर वो 220 वोल्ट की सप्लाई होती है। तो 220 वोल्ट की सप्लाई के लिए अगर मान लीजिए 2 किलोवाट की मोटर है तो 2 किलोवाट गुणे 70, ठीक है, तो इसका टू हो जाएगा 140 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर को लगाने की ज़रूरत है। अब यहाँ से आपको यह चीज़ क्लियर हो गई ना कि जो वोल्टेज है उसके आधार पर किलोवाट कितने माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगाने की ज़रूरत है। अब बात आती है कि कनेक्शन की। देखिए, तो कनेक्शन दो प्रकार से होते हैं मोटर में, जो नॉर्मल तरीके से होते हैं सेम उसी तरह से इसमें भी होंगे।
इसमें क्या है कि देखिए, पहला है डेल्टा कनेक्शन, दूसरा है हमारा स्टार कनेक्शन, ठीक है। तो बस डेल्टा और स्टार कनेक्शन की ही तरह इसमें कनेक्शन होंगे। अब देखिए, डेल्टा में कनेक्शन जब होता है तो क्या होता है, स्टार में जो कनेक्शन होता है तो क्या होता है, वो आइए आप समझ लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि सबसे पहले कि यदि मोटर को यदि आप डेल्टा में चलाते हैं तो डेल्टा में आप क्या करेंगे, देखिए इस प्रकार से 6 टर्मिनल होते हैं, इस प्रकार से 6 टर्मिनल होंगे और 6 टर्मिनल को आप इस प्रकार से शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। इस पर मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है स्टार डेल्टा कनेक्शन के ऊपर, उसका मैं लिंक इस वीडियो के लास्ट सजेशन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको कनेक्शन नहीं बताऊंगा, मैं एक मोटा मोटी तरीका बता दूंगा कि इस प्रकार से डेल्टा कनेक्शन होता है, इस प्रकार से स्टार कनेक्शन होता है। जब मोटर का डेल्टा में कनेक्शन होता है तो इस प्रकार से शॉर्टिंग होती है, सीधी सीधी शॉर्टिंग होती है, खड़ी खड़ी शॉर्टिंग होती है। और जब मोटर को हम स्टार में चलाते हैं तो इस प्रकार से शॉर्टिंग होती है, ठीक है। दोनों में यही डिफरेंस है, इसमें इस प्रकार से शॉर्टिंग होगी और जो डेल्टा होगा उसमें इस प्रकार से शॉर्टिंग होगी, ठीक है। इसका मैं वीडियो के लास्ट सजेशन में डाल दूंगा वीडियो, आप जरूर देखिएगा, आपका वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कनेक्शन वाला। लेकिन उससे पहले आप ये चीज़ समझ लीजिए कि जब हम मोटर को कैपेसिटर की मदद से, मतलब सिंगल फेज की सप्लाई से हम कैपेसिटर को लगा करके जब 3 फेज की मोटर को चलाते हैं, मोटर का जो टार्क है वो 25 से 30% का टार्क ही इस पर इसके अंदर होता है। इसका जो मैक्सिमम जो टार्क है उस टार्क का 25 से 30% ही टार्क आपको मिलेगा, स्टार्टिंग टार्क मिलेगा। पहली चीज तो इसमें यह दिक्कत है। दूसरी क्या है कि यह अपने जो रेटेड पावर है उसका 70 से लेकर के 80% से अधिकतम ही इस पर हम लोड जोड़ सकते हैं, इससे ऊपर लोड हम नहीं जोड़ सकते हैं। मान लीजिए 2 किलोवाट की मोटर है या 10 किलोवाट की मोटर है, ठीक है, तो 10 किलोवाट की मोटर में 70% मान लीजिए, तो आप 7 किलोवाट तक का लोड आप इसके साथ जोड़ सकते हैं, इससे ज़्यादा का लोड नहीं जोड़ सकते हैं। तो कुल मिला करके यह लगभग 70 से 80 किलो मतलब परसेंट के बीच में ही इससे आप लोड ले सकते हैं। और दूसरी चीज़, यह अपने स्टार्टिंग टार्क का 25 से लेकर के 30% ही स्टार्टिंग टार्क देगा। अब आइए इसको हम कनेक्शन करके देखते हैं कि ये रिवर्स डायरेक्शन में और फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे चलेगी। अब आइए देखते हैं। देखिए, तो इस प्रकार से जो कनेक्शन होता है वो इस प्रकार से हमारा सॉकेट होता है सिंगल फेस का, उससे फेस और न्यूट्रल निकलते हैं और इस प्रकार से हम ला करके मोटर में 3 तार ला कनेक्ट कर देते हैं और मोटर हमारी चलने लगती है। तो देखिए, यदि मोटर को आपको क्लॉक वाइज डायरेक्शन में चलाना है, सीधी दिशा में चलाना है, जो कि नॉर्मली तरीके से हम चलाते ही चलाते हैं, हर मोटर को सबसे पहले हम क्लॉक वाइज डायरेक्शन में ही सीधी दिशा में चलाते हैं, मतलब घड़ी की दिशा में, घड़ी जिस दिशा में घूम रही है उस दिशा में जब हम चलाते हैं उसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। तो आपको मोटर को इस प्रकार से डेल्टा में कनेक्शन करना पड़ेगा, अभी मैं आपको अब समझाता हूं। और यदि मोटर को यदि आपको एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के उल्टी दिशा के हाथ में, घड़ी जिस दिशा में चल रही है उसके उल्टे डायरेक्शन में जब मोटर को चलाना है आपको, तो आपको इस प्रकार से स्टार में कनेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब स्टार में जब कनेक्शन करेंगे तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मोटर चलेगी। और जब आपको डेल्टा में जब आप मोटर का कनेक्शन करें तो क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज मोटर आपकी चलेगी, ठीक है। तो अब आइए इसका कनेक्शन देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए कि जो सिंगल फेस हमारी जो सप्लाई है उसका सॉकेट है हमारा, ये कैपेसिटर लगा हुआ है और ये हमारी मोटर है का टर्मिनल है जो कि डेल्टा में कनेक्टेड है। सबसे पहले हम क्लॉकवाइज ही देखते हैं तो डेल्टा में कनेक्शन होगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर देख लीजिए, ये देखिए इस प्रकार से शॉर्टिंग की गई है ना, इस प्रकार से शॉर्टिंग की गई है। तो अब देखिए, जो सिंगल, सबसे पहले ये चीज़ समझ लीजिए, इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, एकदम आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले न्यूट्रल की बात आती है, तो न्यूट्रल की जो सप्लाई हमारी होती है वो ब्लैक कलर की होती है। तो देखिए, न्यूट्रल बाएं हाथ पे होता है ना, तो न्यूट्रल की सप्लाई ला करके सीधा आपको इस प्रकार से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। इस प्रकार से न्यूट्रल की सप्लाई ला करके कनेक्ट कर देना है एक टर्मिनल पे, यहाँ पे ला करके। देखिए, 1, 2, 3 टर्मिनल होते हैं ना, तो तीनों में से किसी एक पर ला करके आपको कनेक्ट कर देना है न्यूट्रल की सप्लाई,
ठीक है, उसके बाद बाकी बचा एक टर्मिनल, ये एक टर्मिनल ये बचा हमारा, ठीक है, दो टर्मिनल हमारे बचे। अब इन दोनों टर्मिनलों में, अब देखिए, अब आपको कैपेसिटर का कनेक्शन करना है, न्यूट्रल का सप्लाई तो आपने जोड़ दिया, अब कैपेसिटर का जब कनेक्शन करना है तो देखिए कैपेसिटर के दो टर्मिनल, ठीक है, तो इसमें से एक ला करके आपको इस प्रकार से कैपेसिटर में जोड़ देना है और दूसरे वाले को ला करके कैपेसिटर में इस प्रकार से जोड़ देना है, मतलब इन दोनों टर्मिनलों पे लाके कैपेसिटर के दोनों तारों को कनेक्ट कर देना है इस प्रकार से, ठीक है। अब बात आती है कि हमारा जो फेस है उसको कैसे जोड़ेंगे, तो देखिए जो फेस है वो इस प्रकार से लाएंगे, इस प्रकार से लाएंगे और ला करके एक टर्मिनल पे आपको जोड़ देना है, बस आपका मोटर जो है वो क्लॉकवाइज मतलब इस तरह से चलने लगेगा, ठीक है। फिर से देख लीजिए, आपको न्यूट्रल का तार ला करके सीधा एक टर्मिनल पे लगा देना है, अब बाकी बचा दो टर्मिनल बचा, अब इन दोनों टर्मिनलों में कैपेसिटर के दोनों तारों को इस प्रकार से आपको लगा देना है, कनेक्ट कर देना है। अब फेस सप्लाई देनी है तो सिंपल दाई हाथ, ये राइट हैंड से फेस उठाएंगे आप और ला करके किसी एक पर, चाहे इधर लाके लगा दीजिए चाहे इधर लाके लगा दीजिए, मोटर आपकी क्लॉकवाइज घूमने लगेगी। अब बात आती है कि मोटर को जब हमको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है तब क्या करेंगे, तो देखिए उस समय हमको मोटर को स्टार में कनेक्शन करना पड़ेगा, और स्टार में जब कनेक्शन करेंगे तो किस प्रकार से कनेक्शन करना है, सिंपल इस तार को ला करके यहाँ पे आपको जोड़ देना है, इस तार को ला करके आपको यहाँ पर जोड़ देना है, और जो न्यूट्रल का तार है उसको आपको इस प्रकार से ला करके न्यूट्रल का तार यहां पर जोड़ देना है, इस प्रकार से आपको जोड़ देना है, ठीक है। मतलब जैसे ही आपका डेल्टा कनेक्शन में करना था ऐसे ही आपको स्टार में कनेक्शन करना है, बस इसमें जो कनेक्शन होगा वो ऊपर साइड में शॉर्ट कर देंगे और इसमें जो है वो सीधा सीधा शॉर्ट कर देंगे और सेम इसी तरह से कनेक्शन करना है। आप देख लीजिए मोटर, इसमें आपकी जो मोटर है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, उल्टी दिशा में घूमेगी, और इसमें क्या है कि मोटर आपकी क्लॉकवाइज घूमेगी। यहाँ पर देखिए डायरेक्शन भी मैंने, ये मैंने डायग्राम भी बना दिया है इस प्रकार से, एक में इसमें आपको यहाँ पर आपको न्यूट्रल दे देना है और इसमें आपको फेस दे देना है, और ये देखिए इस प्रकार से आपको कैपेसिटर इन दोनों के बीच में जोड़ देना है, और एक में आपको सप्लाई दे देनी है, फेस की सप्लाई दे देनी है, आपकी मोटर जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगी। और क्लॉकवाइज के लिए क्या है कि इस प्रकार से एक में इधर सप्लाई देनी है, एक में इधर सप्लाई देनी है, और इन दोनों के बीच में इस प्रकार से आपको जो कैपेसिटर है उसका कनेक्शन कर देना है। तो इस प्रकार से आपकी मोटर जो है वो सिंगल फेस की सप्लाई पर थ्री फेस की मोटर चल जाएगी कैपेसिटर की मदद से, और आप मोटर को उल्टा चलाना है तो इस प्रकार से कनेक्शन करेंगे, सीधा चलाना है तो इस प्रकार से कनेक्शन करेंगे, जैसा मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी कि कैपेसिटर की मदद से हम, कोई थ्री फेस की मोटर है उसको सिंगल फेस की मदद से हम चला सकते हैं कि नहीं चला सकते हैं। यदि कोई पूछता है तो इस प्रकार से आप जवाब देंगे, ड्राइंग बना देंगे, आपका एक इम्प्रेशन अच्छा होगा, इंटरव्यू होगा तो उसमें भी आपके जो नंबर हैं वो अच्छे हो जाएंगे। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, यदि आपके मन में कोई डाउट है कोई कन्फ्यूजन है तो उसको कमेंट करिएगा, मैं प्रयास करूँगा उस पर वीडियो जरूर बनाऊँ। तो आज वीडियो बस इतना ही, जय हिंद।